नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं दीपक टेक हिंदी चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप कैसे अपने वेबसाइट पर वेब पुश नोटिफिकेशन लगा सकते हैं और अपने विजिटर्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मेरा वेबसाइट है ब्लॉगर पे। मैं ब्लॉगर का डैशबोर्ड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड ऑन करने के बाद यहाँ पे दिखा होगा आपको, मेरा ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरा वेबसाइट। यहाँ पे किसी भी तरह का भी आपको नोटिफिकेशन वेब पुश नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिलहाल हम लगाएंगे अभी, ठीक है। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाते सर्च करें, ठीक है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए पुश इंगेज, ठीक है। ये वाला पुश इंगेज पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगा, फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने आपको साइन अप फॉर फ्री भी करना है, ठीक है। क्लिक तो मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मैंने पहले साइन अप कर रखा है, तो आपको शुरू में रजिस्टर करना पड़ता है जब फर्स्ट टाइम आप आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए ऑलरेडी ये लॉगिन था तो हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद इस तरह के इस बैक कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा रजिस्टर करने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इंस्टॉल द पुश इंगेज स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या आएगा। यहाँ पे जो RS हम नो करते हैं, अभी देखिए नीचे आ जाइए थोड़ा। यहाँ पे पहले आपको एंटर साइट डिटेल्स साइट URL साइट नहीं मिलेगा, तो इसमें हम पहले अपने इमेज एक अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए और अपने फाइल में जो कहाँ आपने सेव किया उस फाइल पर निकालिए। वहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर सेव कर दीजिए, ठीक है, अपलोड कर दीजिए। तो मेरा ये इमेज है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर अपडेट इमेज पर क्लिक करेंगे, जो साइज दिया है उसी साइज का इमेज अपलोड कीजिए, ठीक है। 256:256 ठीक है, 256:256 लिख दिया आपको। तो ये अपडेट हो गया इमेज। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप एक और ऑप्शन है, दिखाता हूँ मैं आपको। आप इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इधर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको स्टाइल चेंज करने का। ये देखिए यहाँ फिल्म मिस कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं देख के, ठीक है, किस तरीके से। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं डिफॉल्ट डिजाइन दूंगा, ठीक है। अब सिंपली हम इसको अब जाते हैं वहीं पे इंस्टॉल सेटिंग पे। वापस इंस्टॉल सेटिंग पे आने के बाद एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा अपना कलर चेंज करना था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एलो का जो बटन होता है उसका, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पर नीचे आ जाइए। मैं दिखाता हूँ आपको एलो का बटन किधर है इसका। तो एडिट में हम क्लिक करेंगे, सफारी स्टाइल बॉक्स है हमारे सबसे पहले डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट ही आता है, ठीक है। आप तो चेंज भी कर सकते हैं आपकी मर्जी। देखिए जैसे कि एलो का बटन है, एलो का बटन मुझे चेंज करना है यहाँ पर। तो देखिए ये वाला मैं लेता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पर आ गए और उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम सबसे नीचे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नीचे ये सब, ठीक है। इन सब को छोड़िए, हम फिर से वहाँ जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स का इंस्टॉल सेटिंग पा जाइए, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपका अगर आपको वेबसाइट HTTPS ऑन मोड में है तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इधर दो स्क्रिप्ट कोड मिलेगा, इसे कॉपी कर लेना है। तो मैं पहला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जैसे, ठीक है। Ctrl+C दबा दीजिए, उसके बाद जाइए अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, यहाँ थीम पे क्लिक कीजिए। एडिट HTML, एडिट HTML करने के बाद हेड के नीचे से पेस्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो ये रहा हेड, चार नंबर में मिल जाएगा आपको, कोई भी थीम में 5 या 6 नंबर मिल जाता है। तो मेरे में 4, तो Ctrl+V पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एक और कोड हमें कॉपी करना है, तो एक लाइन यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं लीजेंसी वर्जन Ctrl+C, ठीक है। और फिर से जाते हैं यहीं पर Ctrl+V करते हैं, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब हम इसे सेव थीम पे क्लिक करेंगे, तो जैसे कि सेव हो गया, हम अपने वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसे होम बटन पर रिफ्रेश करते जाकर, और देखते हैं कि हमारा वो आया कि नहीं वेब पुश नोटिफिकेशन। तो जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, आप आगे आपके सामने दिस वेबसाइट स्मार्ट गन से वुड लाइक टू सेंड पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए दोस्तों आ गया ना, इस तरीके से आता है। तो गन से क्लोज अलो कर सकते, ठीक है। फिलहाल ये बटन का कलर चेंज करना बाकी है, तो मैं बाद में चेंज करूंगा, लेकिन ग्रीन रहने दीजिए, ग्रीन बेटर है, वाइट डिफॉल्ट आता है तो डिफॉल्ट ही रहने देने से, ठीक है।
तो जैसे कि देख लिया आपने, सीख लिया कि कुछ नोटिफिकेशन कैसे बनाते हैं। बस तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए वीडियो, खुश रहिए। बाय, टेक केयर।